तो तकरीबन 6 महीने के बाद टीम इंडिया इज बैक इन द वाइट्स और आखिरकार टेस्ट क्रिकेट की वापसी हो रही है और कोशिश हमारी एक बार फिर से वही है साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने की। आई नो कि वर्ल्ड कप का हार्ट ब्रेक से अभी तक हम लोग उठ नहीं पाए हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ डिफरेंट फॉर्मेट एंड ODI इज अ डिफरेंट फॉर्मेट और टेस्ट क्रिकेट में आपके लिए साउथ अफ्रीका की सीरीज जीतना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहा है। 2021-22 में जब हम गए थे तब मेरा ऐसा मानना था कि वी आर वेरी गुड टीम और वो हमारा बहुत ही गोल्डन चांस था, लेकिन वहां पर विराट कोहली की कैप्टेंसी का पूरा सागा उस समय चल रहा था और वो टीम की परफॉर्मेंस में भी थोड़ा बहुत दिखा था। अब ये रिलेटिवली शॉर्टर सीरीज है, 2 टेस्ट मैचेस के लिए टीम इंडिया वहां पर गई हुई है, एक नए एरा की शुरुआत हो रही है। आप उमेश यादव को बाहर कर चुके हो, रहाणे को बाहर कर चुके हो, पुजारा को बाहर कर चुके हो और एक रिलेटिवली यंग टीम के साथ आप उतरने की तैयारी कर रहे हो और रोहित शर्मा भी साउथ अफ्रीका पहुंच चुके हैं जहां पर वो पिछली बार जाने से चूक गए थे। सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज और दोपहर को 1:30 बजे से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर आप इस मैच को एंजॉय कर पाओगे सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क पर, जो कि साउथ अफ्रीका का एक बहुत ही बड़ा फ्रंटियर है। साउथ अफ्रीका के जितनी भी पिचेस हैं वहां पर सेंचुरियन की जो विकेट है वो सबसे ज्यादा तेज मानी जाती है और अगर आप वहां पर एक बार सेट हो जाते हो तो बहुत बड़े बड़े रन भी हमने वहां पर बनते हुए देखे हैं। सचिन तेंदुलकर के 2010 के शतक को भला कौन भूल सकता है। और अगर इस मैदान के पिच रिपोर्ट की बात करें तो अभी तक 28 टेस्ट मैचेस इस मैदान पर हुए हैं, 13 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और 11 मैचों में जिसने सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी की है उस टीम को जीत मिली है। यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां पर नहीं है, लेकिन आप इस मैदान के स्टैट से ये जरूर देख सकते हो कि बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड ग्राउंड है ये और इस ग्राउंड में अगर आप एक बार सेट हो जाते हो तो जैसे कि मैंने बताया कि आप लंबे लंबे रन बना सकते हो। इनफैक्ट एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहां पर 329 है और 300 के ऊपर अगर सेना के किसी भी कंट्री में 300 के ऊपर का आपको एवरेज फर्स्ट इनिंग दिख रहा है यानी कि वहां पर रन बन सकते हैं। तो टीम इंडिया की जो यंग बल्लेबाजी है जिसमें यशस्वी जायसवाल हैं, जिसमें शुभमन गिल हैं, श्रेयस अय्यर पहली बार साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेलने वाले हैं और KL राहुल को भी हम बतौर विकेट कीपर वहां पर उतारने वाले हैं, तो बहुत ही बड़ा मेजर शिफ्ट हमारे ट्रांजिशन में यहां पर आ रहा है। और ऋषभ पंत के ना होने के बावजूद आप ईशान किशन के साथ जा रहे थे बट वो वापस आ गए हैं एंड KL राहुल इज रेडी टू प्ले इन द मिडिल ऑर्डर एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। लेकिन सेंचुरियन के मैदान से हट करके अगर हम साउथ अफ्रीका और इंडिया के हेड टू हेड मुकाबलों पर फोकस करें अक्रॉस टेस्ट मैचेस तो अभी तक इंडिया और साउथ अफ्रीका ने आमने सामने 42 टेस्ट मैचेस खेले हैं जिसमें से 15 बार भारतीय टीम को जीत मिली है और 17 बार दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है। यानी कि तकरीबन आपको वहां पर नेक टू नेक मामला जरूर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन साउथ अफ्रीका में अभी तक हम टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब नहीं हुए हैं। इनफैक्ट हम पहला टेस्ट मैच वहां पर 2006 में जीते थे तो हमारे लिए बहुत ही टफ रहा है वहां पर टेस्ट सीरीज, तो छोड़िए टेस्ट मैच जीतने के भी वहां पर हमें लाले पड़ गए हैं। और इसीलिए प्लेइंग 11 में कौन कौन खेलेगा इसको लेकर के बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे हैं कि भाई अश्विन खेलेंगे कि शार्दुल खेलेंगे, गिल कहां बैटिंग करेंगे, श्रेयस कहां बैटिंग करेंगे। तो देखो मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे, नंबर 3 पर आपको शुभमन गिल खेलते हुए दिखाई देंगे, नंबर 4 पर विराट कोहली, नंबर 5 पर KL राहुल, नंबर 6 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, उसके बाद शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा हमें यहां पर अपना टेस्ट डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब 4 तेज गेंदबाज और जडेजा के रूप में आप एक स्पिनर के साथ जाने वाले हो, लेकिन यार KL राहुल के विकेट कीपिंग पर अगर बात करें तो मैं पर्सनली KL राहुल को टेस्ट मैचेस में जरूर देखना चाहता था। मेरे हिसाब से वो पीयर प्रेशर हो आप कह लो या फिर सोशल मीडिया प्रेशर कह लो, जो पब्लिक का दबाव आपके ऊपर था, जो पूरा का पूरा कैंपेन राहुल के खिलाफ चल रहा था, वो KL राहुल को टेस्ट टीम से बाहर उन्होंने करवाया था। अदरवाइज जिस बंदे ने साउथ अफ्रीका में 100 बनाया हो एज एन ओपनर, इंग्लैंड में क्या कमाल का दौरा उनका गया था, उसके बाद 2-3 टेस्ट मैचेस के बिना पर आपने उनको टीम से बाहर कर दिया। तो पहले तो मेरे हिसाब से उनकी ओपनिंग की जगह पर सवाल होना नहीं चाहिए था, अगर आपने उनको प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया था तो भी वो 15 में एज एन ओपनर होने चाहिए थे और विकेट कीपिंग का दबाव उनके ऊपर डालना सही नहीं है, बिकॉज अगर वो विकेट कीपिंग के दबाव के नीचे बिखर गए, उनको फिर से कोई इंजरी वगैरह हो गई तो वनडे फॉर्मेट में आप मोस्ट लाइकली अपने नेक्स्ट कैप्टन और एक बहुत ही तगड़े मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और विकेट कीपर को खो दोगे, जो कि आप लॉन्ग रन में ODI क्रिकेट में नहीं करना चाहोगे जिस तरीके से विकेट कीपिंग उनकी इंप्रूव हुई
हुई है इन दी ODI फॉर्मेट, और जो DRS के कॉल्स उन्होंने लिए हैं, जिस तरीके से सिचुएशन को काम रखा है, वो बहुत ही जरूरी है। तो KL राहुल टेस्ट टीम में होने चाहिए थे बट नॉट एज अ विकेट कीपर। उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम भी यहां पर ट्रांजिशन से गुजर रही है, उनके पूर्व कप्तान डीन एल्गर इस सीरीज के बाद संन्यास लेने वाले हैं, तो उनको एक बहुत ही तगड़ा यहां पर आप रिटायरमेंट गिफ्ट देने की कोशिश करेगी साउथ अफ्रीका की टीम। तो मेरे हिसाब से डीन एल्गर और एडन मार्करम यहां पर पारी की शुरुआत करेंगे, उसके बाद टोनी डिजॉर्जी नंबर 3 पर खेलेंगे, देन तंबा बबूमा, डेविड बेंडिगम और कीगन पीटरसन में से कोई एक खेलेगा। पीटरसन का भारत के खिलाफ ही सीरीज से शुरुआत हुआ था करियर का, लेकिन उसके बाद उनके स्टॉक्स थोड़े से नीचे आ गए, तो देखना होगा दोनों में से किसे मौका मिलता है। उसके बाद काइल वेरियन खेलेंगे एज अ विकेट कीपर, देन येनसन, महाराज, कोजिया, रबाडा और लुंगी एनगीडी। यहां पर अंड्रिक नोरकिया अभी अवेलेबल नहीं है ड्यू टू इंजरी, और वहां पर जेराल्ड कोजिया मौजूद हैं, तो तकरीबन लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट मान करके चलो, दोनों को तेज गेंदबाजी करते हैं और कोजिया तो बल्लेबाजी से भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो बैटिंग डेप्थ भी यहां पर साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो अब आखिर इस मैच की मेरे 3 प्रिडिक्शन क्या है। देखो, मेरी सबसे पहली प्रिडिक्शन तो यह है कि टोनी डिजॉर्जी साहब जो है वो इस मैच में टीम इंडिया के गेंदबाजों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि एक तो हमारे पास सिर्फ एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है और वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं, तो शुरुआत में अगर उन्होंने थोड़ा सा खुद को समय दे दिया तो अच्छी बैटिंग विकेट पर थोड़ी सी नए बॉल के साथ वो तेजी से रन भी बना सकते हैं, जो कि उनका खेलने का अंदाज है, और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों के सामने हम लोगों को बहुत ज्यादा समस्या उठानी पड़ती है, ये पूरा इतिहास हम लोगों का रहा है, हम लोग लेफ्टी से बहुत मार खाते हैं। तो टोनी डिजॉर्जी मेरे हिसाब से एक तगड़े खिलाड़ी हो सकते हैं साउथ अफ्रीका के लिए। वह रोहित शर्मा को मैं बैन कर रहा हूं, आई थिंक पिछले 2-3 सालों में रोहित शर्मा हैज बीन द बेस्ट टेस्ट बैट्समैन फॉर इंडिया, और ओपन करते हुए उनका अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, और मेरे हिसाब से वो ऐसा करने ही वाले हैं। एंड विन प्रेडिक्शन के तौर पर मैं तो भारतीय टीम के साथ जा रहा हूं। देखो, आई नो कि साउथ अफ्रीका में खेल रही है, पिछली बार भी हम फेवरेट थे, इस बार तो हमारी रिलेटिवली यंग टीम है और हमारे गेंदबाज भी लंबे समय से टेस्ट मैच नहीं खेले हैं। बुमराह कैसा करेंगे, जडेजा कैसा करेंगे, केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में क्या करेंगे, श्रेयस अय्यर वहां पर पहली बार खेलेंगे, शुभमन गिल वहां पर जाएंगे, और उसके अलावा यशस्वी जायसवाल पहली बार वहां पर खेलेंगे, रोहित शर्मा लंबे समय के बाद वहां पर जाएंगे। सो थिंग्स आर लुकिंग अ लिटिल बिट डाइसी, बट आई एम बैकिंग टीम इंडिया। आई थिंक जो क्वालिटी आप लेकर के देखोगे तो टीम इंडिया आपको थोड़ा सा आगे जरूर दिखेगी। तो इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले इस पहले टेस्ट मैच से रिलेटेड आपका जो भी ओपिनियन हो, मेक श्योर टू राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई नो IPL फीवर जरूर चल रहा है, बट इंटरनेशनल क्रिकेट WTC के साइकिल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज ये होने वाली है, सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।